एक्सरसाइज 8.1 मैट्रेसेस क्लास 10 ML अग्रवाल, ये एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला एक्सरसाइज काफी सिंपल एकदम बेसिक एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रेसेस। ये कुछ मैट्रेसेस गिवन है, आपको क्लासिफाई करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये पूरा एक्सरसाइज ही काफी सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें रो और कॉलम क्या होता है। जैसे देखिए नंबर 1, ये जो मैट्रिसेस आप देख रहे हैं, अच्छा इसमें रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रो। मतलब ये क्या है रो R1, ये क्या है R2, मतलब इसमें कितने रो हुए। इस मैट्रिसेस में दो रो है ना, ये एक रो है, ये एक रो, दो रो हुआ। कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन मतलब ये C1 है और ये आपका C2। एकदम सिंपल है, रो कितने हैं 1, 2, कॉलम कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर, ऑर्डर इसको हम लोग लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इसमें रो पहले लिखते हैं, रो कितने रो है 1, 2, अच्छा इनटू का साइन। कॉलम कितने हैं 1, 2, तो 2 × 2 का ये ऑर्डर है, 2 × 2 का ऑर्डर है। जब ये 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका मतलब देखिए रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है, रो भी दो है, कॉलम भी दो है, तो इसको आप स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं ना। तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 ऑर्डर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा नंबर 2 को क्या करेंगे फिर हम लोग, इसमें देखिए सर इसमें तो रो एक ही है, रो एक ही है, लेकिन कॉलम तो 3 है, कॉलम 3 है, तो ये कितने का मैट्रिक्स हुआ, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3, तो 1 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसमें देखिए क्या है, रो कितने हैं 1, 2, 3, रो क्या है R1, R2, R3, कॉलम कितने हैं इसमें 1, कॉलम कितना है 1, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसमें कितने रो है 3, कॉलम कितनी है 1, तो 3 × 1 का मैट्रिक्स है ये, 3 × 1 का मैट्रिक्स है, 3 × 1 का ये मैट्रिक्स है। अच्छा साथ साथ में देखिए इसमें सिर्फ कॉलम ही है, इसमें सिर्फ कॉलम ही है, रो तो है नहीं, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए क्या है, R1, R2, R3, ठीक है, इसमें रो कितने हैं R1, R2, R3, कॉलम कितने हैं C1, C2, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2 का मैट्रिक्स है, ये क्या है 3 × 2 का मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो ये कैसा मैट्रिक्स है 3 × 2 का मैट्रिक्स है। एकदम सिंपल है, इसमें देखिए रो कितने हैं R1, R2, कॉलम देखिए ये C1, ये C2, ये C3, तो ये 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स किसका है 2 × 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए क्या है, रो 2 है R1, R2, रो 2 है, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, कॉलम कितने हैं 3, तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 × 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो साथ में ये पूरा 0 है, तो इसको आप 0 मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं ना, इसे आप क्या बोलेंगे, 0 मैट्रिक्स ऑफ 2 × 3 ऑर्डर, ऑफ 2 × 3 ऑर्डर। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज ए 4 एलिमेंट्स, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, तो फिर आप बताइए उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। 4 एलिमेंट्स बोले हैं ना, तो आप सोचिए 1, 2, 3, 4,
ये चार एलिमेंट्स थोड़ी देर के लिए हम लोग ले लेते हैं। इस चार नंबर से कितना अलग अलग तरह से आप मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। जब आपने ऐसा लिखा तो ये रो कितना है इसमें, इसमें रो एक है। कॉलम कितना है, C1 C2 C3 C4। रो एक है, कॉलम चार, तो 1 × 4 इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 2 3 4। जब आप ऐसे लिखते तो इसमें देखिए रो कितना है, R1 R2 R3 और ये आपका R4 और कॉलम कितना है, एक। तो इसका ऑर्डर क्या होता, इसका ऑर्डर क्या होता, 4 × 1 4 × 1 ऐसे लिख सकते थे आप। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे 1 2 3 4 इसे ऐसे भी लिख सकते थे आप। इसमें देखिए रो कितने हैं, R1 R2, कॉलम कितना है, C1 C2 इसे ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2 का ऑर्डर हो गया। तो जो पॉसिबल आउटकम्स जो आपको दिख रहा है वो क्या क्या है, एक है आपका 1 × 4 ऐसा हो सकता है, या 4 × 1 ऐसा हो सकता था, या फिर 2 × 2 ऐसा भी हो सकता था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एकदम सिंपल है, इसको मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लेते हैं एलिमेंट जो हम लोग के पास है वो 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक को आप कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं आप। जब आपने इसे ऐसे लिखा तो यहाँ देखिए क्या हुआ, कॉलम और रो, रो कितना हो गया, एक हो गया, लेकिन कॉलम कितना है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो एक है, कॉलम 8 है, तो 1 × 8 का ऑर्डर हो गया। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हुआ, देखिए रो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, रो है, ये सब क्या है, रो है। अच्छा, कॉलम इसमें कितना है, एक ही है। अब इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, रो कितना है, 8 है, कॉलम कितना है, 1 है, तो ये भी एक ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें देखिए रो कितना है, R1 है, ये R2 है, लेकिन कॉलम कितना है, C1 C2 C3 C4, मतलब रो 2 है, कॉलम 4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा, क्या और अलग तरीके से आप इसे लिख सकते थे, और भी एक तरीके से आप इसे लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग, इसे ऐसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ देखिए रो कितना है, 1 2 3 4 ये सब क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम, C1 C2। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ये ऑर्डर क्या होगा, 4 × 2। इस तरह से टोटल जो ऑर्डर्स आप अलग अलग ऑर्डर्स जो निकाला आपने वो क्या था, 1 × 8 का एक ऑर्डर था। अच्छा, इसके बाद क्या था, 8 × 1 का एक ऑर्डर था। अच्छा, 2 × 4 का एक ऑर्डर बना, और 4 × 2, बस यही है आपका आंसर, हो गया 3। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है, आप अभी समझ जाएंगे। कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज ए आई जे, ये आई जे क्या है, कुछ नहीं है, रो कॉलम है, कुछ नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू 2i - j, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है ए आई जे इक्वल्स टू i × j। देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है।
सबसे पहला चीज़ है कि क्या ये 2×2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब ये 2×2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मतलब ये कुछ मैट्रिक्स ऐसा होगा, ये 2×2 का ऑर्डर है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि इसका पोजीशन क्या है। इस पहला जगह जो भी है मतलब ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, देखिए ये रो वन कॉलम वन, इसका पोजीशन कैसे है, ये रो वन कॉलम वन, ये कहाँ पे है, रो वन कॉलम वन, ये पहला रो पहला कॉलम, इसको बोलेंगे वन वन। ये कहाँ पे है, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू, सी वन सी टू, तो ये रो वन कॉलम टू इसका पोजीशन है। इसका पोजीशन देखिए क्या, ये रो टू हो गया ना, ये पहला रो था ये दूसरा रो है, तो रो टू कॉलम वन पहला कॉलम में, ये क्या है, रो टू कॉलम टू, इस तरह से आपने इसका पोजीशन लिख दिया। जब आपने ये लिख दिया काम ख़त्म हो गया। अब इससे जो मैट्रिसेस जो फॉर्म्ड होगा पहला कंडीशन का वो क्या है, देखिए ये जो आई आपको दिख रहा है ये रो है, ये जे जो है वो कॉलम है, ये वन वन मतलब रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम वन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये टू आई माइनस जे था, रो वन है, कॉलम क्या है वन, तो टू वन ज टू माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या मिलेगा वन, इसको आपने यहाँ लिखा। अच्छा ये क्या है, देखिए वन टू मतलब रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू, टू वन ज टू, टू माइनस टू कितना ज़ीरो, टू माइनस टू ज़ीरो। अच्छा टू वन, टू वन यहाँ, टू यहाँ वन, टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस वन थ्री। अच्छा टू टू यहाँ भी टू यहाँ भी टू, टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस टू टू, ये पहला पार्ट हो गया, कितना सिंपली हो गया। इसका सेकेंड पार्ट भी वैसे ही है, ये सेकेंड पार्ट क्या कहता है, I इंटू जे मैंने रो इंटू कॉलम, पहला क्या है वन वन, तो वन इंटू वन कितना होगा वन होगा। अच्छा वन टू, वन इंटू टू कितना मिलेगा टू मिलेगा। अच्छा टू वन, तो टू इंटू वन कितना मिलेगा टू मिलेगा। अच्छा टू टू मतलब टू इंटू टू कितना फोर, देखिए कितना ईजीली ये हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2x प्लस वाई 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/4। मैट्रिसेस में आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन है, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 5 है, ये क्या था देखिए 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या 5 माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3x माइनस 2y, y क्या है 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना 4, ठीक है। आगे ये 3x माइनस y टू से कितना 10, माइनस माइनस प्लस 2 टू से 4x इक्वल्स टू कितना 4, बिल्कुल ठीक। 3x प्लस 4x कितना 7x इक्वल्स टू 4 प्लस 10, आगे 7x इक्वल्स टू 14, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 2। अब यही x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 2, इससे क्या मिला 5 माइनस 4 जो क्या होगा 1, तो इससे देखिए x और y का वैल्यू आपको मिल गया। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या फाइंड करना था आपको, x एंड y फाइंड करना था, x क्या मिला 2, y क्या मिला 1। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, एक और काफी आसान सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, 2y माइनस x इक्वल्स टू माइनस 5 है। इस तरह से पहला काम हम लोग y को कर लेते हैं, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या 2, तो सिर्फ y इक्वल्स टू क्या हो गया
माइनस टू, देखिए वाई मिल गया। अब इस वाई को हम लोग इसमें सब्सिट्यूट करेंगे। आगे देखिए थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, वन, इससे कंपेयर कर सकते हैं। वाई का वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो ये थ्री एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, माइनस टू इक्वल्स टू वन, बिल्कुल ठीक। आगे थ्री एक्स प्लस माइनस, माइनस टू वन जै टू इक्वल्स टू वन, ठीक है, माइनस है दूसरी तरह भेज दीजिए प्लस हो जाएगा। वन प्लस टू कितना, थ्री, इससे एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, थ्री बाई थ्री, तो थ्री बाई थ्री कट के क्या आएगा, वन आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको, वन। मैं फाइंड करना था आपको एक्स, बस हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्स एंड वाई निकालना है, इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे, बीच में इक्वालिटी का साइन है। क्या बोलेंगे आप, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फाइव, एकदम आसान है, एकदम आसान। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू क्या है, फाइव है, इससे देखिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, फाइव माइनस थ्री, इससे एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको, टू मिल गया। अच्छा वाई माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री, तो वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू थ्री, तो इससे वाई इक्वल्स टू क्या मिला आपको, थ्री प्लस फोर, तो वाई इज इक्वल्स टू कितना, सेवन। देखिए कितना ईजीली आपने एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे, आई बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना है। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस फाइव, ये एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या, माइनस फाइव, इससे देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस फाइव माइनस टू, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सेवन। कितना ईजिली देखिए एक्स निकल गया। अच्छा फाइव जेड इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी, फाइव जेड इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी, तो जेड इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ट्वेंटी बाई फाइव, फाइव फोर जा, तो इससे जेड का वैल्यू क्या मिला आपको, माइनस फोर। देखिए कितना ईजिली जेड का वैल्यू भी आ गया। आगे अब क्या है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स, वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग इसको। आगे वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टर आ गया, और मिडिल टर्म फैक्टर तो आप सभी को आता है, सिक्स को ब्रेक करके वन चाहिए, थ्री टू जो सिक्स, थ्री माइनस टू वन। अच्छा लिखेंगे कैसे, वाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल ठीक। वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो ये वाई प्लस थ्री, यहाँ पे टू कॉमन है, माइनस बाहर है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। आगे y प्लस थ्री कॉमन फैक्टर है, और यहाँ से y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो जो y का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस थ्री है ना, तो y प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस थ्री। अच्छा y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो y क्या मिलेगा, टू, तो यहाँ पे y का दो वैल्यू मिलेगा, माइनस थ्री और टू। इस तरह से देखिए आपने x, y और z तीनों के वैल्यूज आपने निकाल लिए, आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट, देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक्स माइनस टू से क्या कंपेयर करेंगे, थ्री से कंपेयर करेंगे, एकदम अपने आप ही आंसर आएगा, अपने आप ही आएगा। तो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू क्या, थ्री, इससे देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, थ्री प्लस टू, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला आपको, 5। देखिए कितना ईजिली हो गया। y को आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, 1 से, तो y इक्वल्स टू 1, देखिए y भी मिल गया, y मिल गया। आगे इन दोनों को देखिए, a प्लस टू बी इक्वल्स टू क्या, 5, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 माइनस टू बी, ठीक है। इस वैल्यू का देखिए यूटिलाइज हम लोग उसके बाद वाले में करेंगे, क्या है वो 3a माइनस बी, इसको कंपेयर आप 1 से करेंगे, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, a क्या मिला था आपको, 5 माइनस टू बी, माइनस बी इक्वल्स टू 1, एकदम सिंपल है। 3 5 से कितना, 15,
थ्री टू जा सिक्स बी माइनस बी इक्वल्स टू वन, फिफ्टीन माइनस सेवन बी इक्वल्स टू वन, फिफ्टीन माइनस वन इक्वल्स टू सेवन बी, फोर्टीन इक्वल्स टू सेवन बी, बिल्कुल ठीक। तो फिर फोर्टीन बाई सेवन, फोर्टीन बाई सेवन इक्वल्स टू कितना बी, सेवन टू जा तो बी का वैल्यू क्या मिला टू, बी का वैल्यू क्या मिला टू। अच्छा बी यदि टू है तो ए क्या होगा, ए क्या था फाइव माइनस टू बी, फाइव माइनस टू बी, बी कितना है टू है, तो ये फाइव माइनस फोर इक्वल्स टू कितना हो गया वन। याद है कि आपने सारे वैल्यूज निकाल लिए, ए का वैल्यू कितना मिला वन, बी का वैल्यू कितना मिला टू, एक्स का फाइव वाई का वन, यही फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। चलिए इसमें फाइंड क्या करना है आपको, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले डी को कंपेयर कर लेते हैं, डी इक्वल्स टू क्या होगा थ्री होगा, डी इक्वल्स टू थ्री, ये तो ऐसे ही मिल गया, ये ऐसे ही मिल गया, चलिए बहुत अच्छा। फाइव प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन, फाइव प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या माइनस वन, तो c इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस फाइव। तो देखिए c क्या मिला माइनस सिक्स, तो c का वैल्यू भी मिल गया। अच्छा अब क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखिए ए बी क्या है एट है, ए बी को आप एट से कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू मैं डिराइव कर लेता हूँ, एट बाई बी, a का वैल्यू ऐसे मैंने डिराइव कर लिया। ऊपर देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी क्या है सिक्स है, ठीक है। अब इसमें ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए क्या है एट बाई बी, तो एट बाई बी प्लस बी इक्वल्स टू कितना सिक्स। एलसीएम जब आप बी लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये एट प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना सिक्स, ठीक है। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल्स टू क्या सिक्स बी, बिल्कुल ठीक। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी प्लस एट इक्वल्स टू क्या जीरो, सॉरी ये क्या है एट है, मिडिल टर्म फैक्टर, ये क्या हो गया मिडिल टर्म फैक्टर। एट को स्पेल्ट करके क्या चाहिए आपको, सिक्स चाहिए, कैसे चाहिए माइनस में चाहिए, फोर टू ज़ा एट होता है, फोर प्लस नहीं प्लस में चाहिए तो प्लस है, फोर टू ज़ा एट, फोर प्लस टू सिक्स हो गया, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू बी प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, सिंपली ये मिडिल टर्म फैक्टर है, ये आप सभी जानते ही होंगे। आगे देखिए क्या ये बी स्क्वायर माइनस फोर बी माइनस टू बी प्लस एट इक्वल्स टू क्या जीरो, इन दोनों में क्या कॉमन है बी कॉमन है, तो ये बी माइनस फोर, इन दोनों में टू कॉमन है, बाहर माइनस है भीतर का साइन चेंज हो गया। आगे कॉमन फैक्टर बी माइनस फोर है, और यहाँ क्या है बी माइनस टू इक्वल्स टू क्या जीरो, जब आप जीरो से कंपेयर करेंगे तो बी का दो वैल्यू मिलेगा, एक फोर और दूसरा टू। इस तरह से देखिए आपने बी के दो वैल्यूज निकाल लिए। अब ए का वैल्यू मिलेगा, ए क्या था एट बाई बी, बी जब फोर होगा, बी जब फोर होगा तो एट बाई फोर क्या मिलेगा टू मिलेगा, बी जब टू होगा तो एट बाई टू क्या मिलेगा फोर। इस तरह से ए के भी दो वैल्यूज मिले आपको, टू और फोर। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। Thank you for watching this video. Thank you.